ओके दोस्त, ये हमारा थर्ड लेक्चर है इलेक्ट्रोस्टैट्स का, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का थर्ड लेक्चर। सो इस इलेक्ट्रोस्टैट्स में अभी तक जो हमने किया है वो चार्ज के बारे में कंप्लीट एक ब्रीफ डिस्कशन किया था हमने फर्स्ट क्लास में, बेसिक्स के बारे में डिस्कशन किया था फर्स्ट क्लास में। सेकंड क्लास में हमने अपना जो नॉलेज है वो सिर्फ और सिर्फ कूलम्स लॉ के ऊपर दिखाई थी। इस क्लास में हम दो बातों पर डिस्कस करने वाले हैं, एक सुपरपोजिशन पे बात करेंगे हम लोग और एक इलेक्ट्रिक फील्ड पे बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के ऊपर देखते हैं। सो बेसिकली सुपरपोजिशन का लेना देना इस बात से है कि कभी भी एन नंबर्स ऑफ चार्जेस किसी भी स्पेस में पड़े हुए हैं और उनको अगर एक दूसरे के ऊपर फोर्सेज लगानी है तो किसी एक के ऊपर सारे मिल के जो फोर्सेज लगाएंगे वो नेट फोर्स जो होगा उनका वेक्टर एडिशन होगा, लेकिन दो लोगों के इंट्रैक्शन के बीच में अगर आप थर्ड इंसान को लाते हैं तो उसका वन एंड टू से सेपरेट इंट्रैक्शन होगा। उसके आने से, थर्ड चार्ज के आने से, पहले और दूसरे के इंट्रैक्शन में कोई फर्क नहीं आएगा। पहले और दूसरे का इंट्रैक्शन पहले जिस तरीके से, थर्ड चार्ज के आने से पहले जिस तरीके से जो मैग्नीट्यूड था और जो चार्ज था उसी तरीके से रहेगा। तो इस फिगर को देखिए, अगर यहाँ पर ये कहता है कि ऐसे जो है वो लेट्स से तीन चार्जेस के ऊपर, यहाँ तो बात करी हुई है कि किसी क्यू नॉट चार्ज पे लगा रहे हैं तीन चार्जेस मिलके फोर्सेस, मैं कहता हूँ चौथा भी आ जाएगा तो चौथे का क्यू नॉट के साथ अपना एक सेपरेट कोई इंट्रैक्शन होगा, उससे फर्स्ट चार्ज के साथ जो इंट्रैक्शन है उस पर कोई फर्क नहीं आएगा क्यू नॉट के इंट्रैक्शन का, सेकेंड चार्ज से जो क्यू नॉट का इंट्रैक्शन है उससे कोई फर्क नहीं आएगा, फाइन। तो यहाँ हम नेट फोर्स देखने वाले हैं क्यू नॉट के ऊपर इस फिगर के अकॉर्डिंगली। तो देखते हैं, सबसे पहले अगर मैं बात करूँ फोर्स लग रही है क्यू नॉट के ऊपर, तो नॉट मतलब ज़ीरो, किसकी वजह से लग रही है, वन की वजह से। नॉट फोर्स लग रही है ज़ीरो पे वन की वजह से। इसका फॉर्मूला क्या होगा बेसिक जो आपके पास है, वन बाय फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट क्यू वन अपॉन आर नॉट वन के वेक्टर के मॉडुलस का स्क्वायर, आर नॉट वन के वेक्टर के मॉडुलस का स्क्वायर साथ में आर नॉट वन का यूनिट वेक्टर, फाइन। आर नॉट वन के यूनिट वेक्टर, ये जो चीज़ मैंने अभी अभी लिखी है इस चीज़ को हमने लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिया है, लास्ट वीडियो में आपने बहुत आराम से इस चीज़ को देखा होगा। अब मैं बात कर रहा हूँ एफ नॉट वन के एक्सप्रेशन को और थोड़ा एलैबोरेट करने की। सो फिर दोबारा वन बाय फोर पाई एप्सिलॉन नॉट तो वैसे ही रहेगा, क्यू नॉट क्यू वन वैसे ही रहेगा, ये आर नॉट वन के मॉडुलस का क्यूब अगर लिखूं तो यहाँ मुझे लिखना पड़ जाएगा आर नॉट वन का वेक्टर, क्योंकि यूनिट वेक्टर क्या होता है, लास्ट क्लास में भी बोला था यूनिट वेक्टर होता है वेक्टर अपॉन मॉडुलस ऑफ दैट वेक्टर, वेक्टर अपॉन मॉडुलस ऑफ दैट वेक्टर। अब इसी एफ नॉट वन को और थोड़ा एलैबोरेट करते हैं। सो वन बाय फोर पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, क्यू नॉट क्यू वन अपॉन, ये आर नॉट वन वेक्टर होता क्या है वैसे, आर नॉट वन वेक्टर नहीं पता तो चलिए नॉर्मल लिख के बता देता हूँ, आर वन टू वेक्टर क्या होता है। तो आप बोलते हैं आर वन टू वेक्टर होता है आर वन वेक्टर माइनस आर टू वेक्टर, फाइन, ये वाली चीज़ आपको आती है। तो यहीं से आर नॉट वन वेक्टर को आप क्या लिखेंगे, आर नॉट वेक्टर माइनस आर वन वेक्टर का मॉडुलस का क्यूब, यही लिखेंगे आर नॉट वन वेक्टर के मॉडुलस के क्यूब को। और आर नॉट वन वेक्टर को यहाँ पर क्या लिखेंगे, वो लिखेंगे आप आर नॉट वेक्टर माइनस आर वन वेक्टर। ये सबसे बेसिक, सेकंड स्टेप में आके आपने यूनिट वेक्टर को बस एक्सपैंड किया है, एंड थर्ड स्टेप में आके आपने किसी भी रिलेटिव वेक्टर को कैसे लिखते हैं, किसी भी पोजीशन रिलेटिव वेक्टर को या वेलोसिटी रिलेटिव वेक्टर को या किसी को भी ऐसे कैसे लिखते हैं वो आपने किया है, बस यहीं तक यही किया हमने। लेकिन ये तीनों ही स्टेप्स सिर्फ और सिर्फ किसके बारे में बात कर रहे हैं, नॉट चार्ज क्यू नॉट चार्ज के ऊपर लगने वाली फोर्स क्यू वन की वजह से। लेकिन क्या क्यू नॉट चार्ज के ऊपर, यहाँ फिगर में देखिए, क्या इस क्यू नॉट चार्ज के ऊपर सिर्फ क्यू वन की वजह से फोर्स लग रही है क्या, क्यू नॉट चार्ज के ऊपर क्यू टू की वजह से फोर्स नहीं लग रही, क्यू नॉट चार्ज के ऊपर क्यू थ्री की वजह से फोर्स नहीं लग रही, और अगर ऐसे एन होंगे तो क्यू एन की वजह से भी लगेगी। तो इसीलिए मैं पूछ रहा हूँ कि एफ
नेट फोर्स क्या लग रही है। तो जैसे ही मैं कहूँगा एफ नेट फोर्स क्या लग रही है, तो आप बोलेंगे एफ नेट फोर्स लग रही है एफ नॉट वन वेक्टर प्लस एफ नॉट टू वेक्टर प्लस एफ नॉट थ्री वेक्टर अप टू एफ नॉट एन वेक्टर। ये वेक्टर एडिशन है दोस्तों, नॉर्मल एडिशन नहीं है। यहाँ पर ये एडिशन वेक्टर्स के बीच में हो रही है, और वेक्टर्स के बीच में होने वाली एडिशन ऐसे ही नहीं होती है। इसके लिए दो तरीके होते हैं ऐड करने के, या तो अगर आई जे के फॉर्म में है तो आई वालों को आई से, जे वालों को जे से, के वालों को के से ऐड करिए, और अगर आई जे के फॉर्म में नहीं है तो जैसा भी है उसको रिजॉल्व करिए वेक्टर्स को किसी एंगल के साथ किसी एक्सिस पे। लेकिन वेक्टर्स को एंगल्स के साथ किसी एक्सिस पे या आई जे के, ऐसे क्वेश्चंस जो हैं ये हम थोड़ी देर में लेक्चर के आगे देख लेंगे कि एग्जैक्टली ऐसे क्वेश्चंस को करना कैसे है। क्वेश्चंस को करना इस सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के अंदर डिपेंडेंट क्वेश्चंस को करने में और टॉपिक को समझने में, दोनों में फ़र्क है। तो अभी हम सिर्फ टॉपिक समझ रहे हैं कि टॉपिक कहता क्या और फाइनल एक्सप्रेशन कैसे निकलता है, ठीक है। फिर आगे चीज़ें देखेंगे कैसे करेंगे ना। एफ नेट फोर्स अगर एफ नॉट वन ये सब है, वेक्टर एडिशन है इन सब का, तो थोड़ा फॉर्मूले वाइज अगर लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे। वन बाय फोर पाए एप्सिलॉन नॉट, सब में कॉमन है पता है आपको, और क्योंकि सारी फोर्सेस क्यू नॉट चार्ज पे लग रही हैं तो सब में क्यू नॉट भी कॉमन है। तो बचा क्या ब्रैकेट में सबके अंदर, क्यू वन आर नॉट वेक्टर माइनस आर वन वेक्टर ब्रैकेट में अपॉन में आर नॉट माइनस आर वन वेक्टर के मॉडुलस का क्यूब। दूसरी वाली फोर्स सेकंड चार्ज की वजह से थी, उसमें क्या बचेगा, क्यू टू आर नॉट वेक्टर माइनस आर टू वेक्टर अपॉन आर नॉट वेक्टर माइनस आर टू वेक्टर के मॉडुलस का क्यूब प्लस सो ऑन चलते जाएंगे तो कहां तक पहुंच जाएंगे, क्यू एन आर नॉट वेक्टर माइनस आर एन वेक्टर ब्रैकेट में अपॉन में आर नॉट माइनस आर एन मॉडुलस वेक्टर का क्यूब। फाइन, अब अगर देखें तो ये सब जो एडिशन हो रहे हैं इनके समीशन का कोई फॉर्मूला भी लिख सकते हैं हम लोग। तो समीशन का फॉर्मूला देखते हैं क्या लिखेंगे हम लोग। वन बाय एफ नेट फोर्स जो है वो इक्वल हो जाएगी नेट वेक्टर जो है वो इक्वल आएगा वन बाय फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट समीशन ऑफ एन वेरीज फ्रॉम वन टू एन, एन वेरीज फ्रॉम वन टू एन या फिर जे वेरीज फ्रॉम वन टू एन, इसको जे से डिनोट कर देते हैं, जे वेरीज फ्रॉम वन टू एन क्यू जे आर नॉट माइनस आर जे वेक्टर्स होल अपॉन आर नॉट माइनस आर जे वेक्टर के मॉडुलस का क्यूब। ये आपका इस ब्रैकेट में जो है कि इसको देख लेते हैं और अच्छे से, ये जो एक्सप्रेशन आया आपका इस ब्रैकेट में ये फाइनल एक्सप्रेशन है वेक्टर के फॉर्म में, जब एक चार्ज पर लगाने वाले जो लोग हैं फोर्स वो बहुत ही ज़्यादा हैं तब ये लगेगा फॉर्मूला। फाइन, वेक्टर फॉर्म में ये सुपरपोजिशन प्रिंसिपल बेसिक डिमांड करता था आपसे, टॉपिक ये बेसिक डिमांड करता था। लेकिन मैंने जैसे कि कहा टॉपिक समझना और टॉपिक पे क्वेश्चंस अप्लाई करने में फ़र्क है, तो अब हम क्वेश्चंस पे अप्लाई करते हैं और वेक्टर फॉर्म्स को जैसे हम जानते हैं हम रिजॉल्व करते हैं, चीज़ों पे नेट फोर्स निकालते हैं एंड डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस ट्राई करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं इस टॉपिक पे। ये दोस्तों एक क्वेश्चन है सॉल्व एग्जांपल, सॉल्व एग्जांपल वन असाइनमेंट का। एंड इनफिनिट नंबर ऑफ चार्जेस ईच इक्वल टू 4 कूलम आर प्लेस्ड अलोंग द एक्स एक्सिस एट डिफरेंट पोजिशंस, एक्स इज इक्वल्स टू 1 एंड देन एक्स इज इक्वल्स टू 2 मीटर देन एक्स इज इक्वल्स टू 4 मीटर एंड सो ऑन। नाउ दिस सो ऑन मीन्स मतलब 1 पे है, फिर 2 पे, फिर 4 पे, फिर 8 पे होगा, फिर 16 पे होगा, मतलब डबल डबल होता जा रहा है डिस्टेंस उन पोजीशंस पे ये पड़ा है। फाइंड द टोटल फोर्स ऑन द चार्ज 1 कूलम प्लेस्ड एट द ओरिजिन। तो सबसे पहले ना इस क्वेश्चन में एक एक्स एक्सिस बनाते हैं हम लोग, एक्स एक्सिस देखते हैं कि एक्स एक्सिस में कौन कहाँ पड़ा है। ये मेरे पास एक एक्स एक्सिस है जिसमें ये ओरिजिन है जिसको मैं ओरिजिन मान रहा हूँ, एंड यहाँ पर पड़ा है 1 कूलम चार्ज
एंड इसके बाद ये मेरा डिस्टेंसेस हैं अलग अलग, सो दिस दिस देन दिस देन दिस दिस, सो ये 1 मीटर है, ये 2 मीटर है, ये 3 मीटर है, ये 4 मीटर है, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8 एंड सो ऑन, बहुत दूर तक जा रहे हैं। सिर्फ ओरिजिन पे ही 1 कूलम पड़ा है, बाकी सब जगह पे 4 कूलम पड़ा है, 4 कूलम सब जगह पे तो नहीं, डबल डबल डिस्टेंसेस पे। सो जिन पोजिशन पे मैंने रखे हैं 1 मीटर पे, 2 मीटर पे, फिर 4 मीटर पे, देन 8 मीटर पे, ऐसे करते हुए डबल डबल डिस्टेंस करते हुए पड़े हैं ये हमारे पास 4 कूलम चार्जेस। अच्छा, ये सारे 4 कूलम चार्जेस 1 कूलम पे फोर्स कैसे लगाएंगे, क्योंकि लाइक चार्जेस हैं तो हमेशा रिपेल करेंगे, तो इस पर फोर्स हमेशा ऐसे ही लगेगी। अब आप इसको नाम दे सकते हैं कि एफ नेट फोर्स जो होगी वो होगी एफ नॉड 1 की वजह से प्लस एफ नॉड 2 की वजह से प्लस एफ नॉड 3 की वजह से। इसमें देखिए ऊपर मैं वेक्टर साइन नहीं लगा रहा हूँ, बट अगर वेक्टर साइन लगा भी दूँ तो फिर वेक्टर फॉर्म में लिखना पड़ जाएगा, वो थोड़ा सा अलग ही चला जाएगा मामला। तो एक काम करते हैं हम लोग, यहाँ से भी वेक्टर साइन हटा लेते हैं, सो दैट हम सिर्फ बात कर रहे हैं मैग्नीट्यूड की, और मैग्नीट्यूड भी बात जो मैं कर रहा हूँ वो डायरेक्टली ऐड होगा, ये हर वेक्टर वाले केस में ऐसा नहीं होगा कि मैग्नीट्यूड डायरेक्टली ऐड हो जाएगा भाई, ये सिर्फ इस केस में इसलिए क्योंकि सारे ही लेफ्ट में लगा रहे हैं, क्योंकि सारे ही कहाँ लगा रहे हैं, लेफ्ट में लगा रहे हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और देखते हैं एफ नेट फोर्स एंड सो ऑन। एंड एफ नॉट 1, एफ नॉट 2 के बाद एफ नॉट 4 आता, एंड एफ नॉट 5 आता, एफ नॉट 8 आता, फिर उसके आगे क्या आता, एफ नॉट 8, मतलब 8th पोजीशन पे, 8th मीटर पे जो पड़ा है। सो देखते हैं इसको, ये कहता के क्यू नॉट क्यू अपॉन 1 का स्क्वायर, अगला वाला कहता के क्यू नॉट क्यू अपॉन 2 का स्क्वायर, उससे अगला वाला कहता के क्यू नॉट क्यू अपॉन 4 का स्क्वायर एंड सो ऑन। सब ने k कॉमन निकाला, q नॉट कॉमन निकाला, q कॉमन निकाला और ब्रैकेट में क्या रख दिया, 1/1 प्लस 1/4 प्लस 1/16 प्लस 1/64 एंड सो ऑन। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये k की वैल्यू आपको पता है 9×10⁻⁹ होती है, q नॉट की वैल्यू 1 है, लिखूं या ना लिखूं फ़र्क नहीं पड़ता है, इसे लिख के मेंशन कर देते हैं। एंड q की वैल्यू जो है यहाँ पर 4 है, 4 माइक्रो कूलम है, 4 माइक्रो कूलम होने की वजह से 4×10⁻⁶ लिखना पड़ेगा आपको, ये माइक्रो कूलम थी सारी वैल्यूज़ क्वेश्चन में। अभी देखा मैंने कि माइक्रो कूलम लिखा है, यहाँ देखिए माइक्रो कूलम लिखा है, तो इसलिए माइक्रो होने की वजह से ये 10⁻⁶ थी। बट ब्रैकेट की अगर वैल्यूज़ देखेंगे, ये तो कॉमन वैल्यूज़ थी, ब्रैकेट में अगर आप देखेंगे तो GP चल रहा है, क्या चल रहा है, GP मतलब AP GP HP, चार तीन चीज़ें आपने पढ़ी हैं 11th स्टैंडर्ड में। यहाँ पर ब्रैकेट में जो सम ऑफ द टर्म्स है वो ग्रॉस प्रोग्रेशन का सम है, जिसमें रेशोज सेम होती हैं एंड उनके सम का जो फॉर्मूला होता है, आई होप वो a/1-r होता है, a/1-r, फाइन। सो देखते हैं ये चीज क्या है, ये है 9×10⁻⁹ × 4×10⁻⁶, ब्रैकेट में फर्स्ट टर्म कौन है, 1 अपॉन में 1-1/4, क्योंकि रेशियो जो होगी वो होगी सेकेंड टर्म बाय फर्स्ट टर्म, दैट इज़ 1/4/1, दैट इज़ 1/4 इटसेल्फ। एंड यहाँ पर ये आ जाएगा 9×4 36×10⁻³ × 4/3, क्योंकि ये नीचे जो सॉल्व करेंगे आप, ये आएगा 4 LCM लेके 4-1 3 3/4, लेकिन ये 4 चला जाएगा ऊपर, तो इसीलिए 4/3, 3 ये काटेगा 12 पे, 12 4 जा होता है 48×10⁻³ न्यूटन, ये फाइनली आपके पास नेट फोर्स है। यही आंसर होगा, बस मेरा ये फार्मूला जो है ये एक बारी चेक कर लीजिएगा ज़रूर, GP का जो सम का फार्मूला होता है वो यही होता है या नहीं होता है, एक बारी इसको वेरीफाई कर लीजिएगा। बाकी ये क्वेश्चन में यही सीखने में था। हाँ, ये नेट फोर्स का खाली मैंने मैग्नीट्यूड बताया, अगर मुझसे कोई साइन पूछेगा तो मैं कहूँगा अलोंग नेगेटिव
एक्स एक्सिस अलॉन्ग नेगेटिव एक्स एक्सिस, क्योंकि पॉजिटिव एक्सिस पे ये सब पड़े हैं और ये सब मिलके एकजुट होके इसको रिपेल कर रहे हैं लेफ्ट साइड में, और लेफ्ट साइड में कौन होती है? नेगेटिव एक्स एक्सिस। ये मेरा कंप्लीट आंसर है विद मैग्नीट्यूड विद डायरेक्शन, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है तो मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों के बारे में बात बोलना जरूरी है। फाइन, अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी सुपरपोजिशन प्रिंसिपल पे। कंसीडर दिस क्वेश्चन, ये कह रहा है हमसे दैट कंसीडर दी चार्जेस क्यू क्यू एंड माइनस क्यू, क्यू क्यू एंड माइनस क्यू एट दी वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल विच इज शोन इन द फिगर हूज साइड्स इज एल। व्हाट इज द फोर्स ऑन ईच चार्ज, हर चार्ज पे हमसे फोर्स पूछा हुआ है। देखिए यही क्वेश्चन आएगा आपके पास, यहीं तक आएगा भाई। ये जो फिगर है ना, ये आंसर का पार्ट है, ये आपको खुद बनाना पड़ेगा। फिगर में जो भी आप देख रहे हैं सब आंसर का पार्ट है। तो इसने क्या किया होगा, पहले एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बनाया होगा, मैं आपके लिए यहाँ पर बना देता हूँ। सबसे पहले इस फिगर को बनाने के लिए इसने क्या क्या किया होगा, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बनाया होगा। अब उसके बाद आपके मन पर डिपेंड करता है कि आप कहाँ पर दो क्यू रख रहे हैं और कहाँ पर माइनस क्यू रख रहे हैं। इस फिगर में इसने बोला क्यू क्यू मैं बेस में रख रहा हूँ और माइनस क्यू ऊपर रख रहा हूँ, ठीक है। ऐसे इसने फिगर बनाई, फिर इसने यहाँ पर एल 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 मेंशन किया, लेंथ ऑफ द इक्विलेटरल ट्राइंगल, नाम दे दिया इसको ए बी सी ट्राइंगल को, ठीक है दोस्त। अब इसने फोर्सेस मेंशन करना शुरू करी, तो जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे ही आप भी कर सकते हैं। इसने बोला कि ये जो है क्यू चार्ज इस माइनस क्यू चार्ज के साथ अट्रैक्ट होगा, तो यहाँ पर अट्रैक्टिव फोर्स लगेगी इस क्यू चार्ज पे, जिसका नाम अगर मेरे से आप पूछेंगे तो मैं एफ ए सी कहूँगा। एफ ए सी क्यों? क्योंकि एफ ए सी का मतलब क्या होगा यहाँ पर, एफ ए सी का यहाँ पर क्या मतलब हुआ कि भाई ए पे फोर्स लग रही है और सी की वजह से लग रही है। फाइन, ये मतलब हुआ एफ ए सी का। और इसी ए पे बी वाला, क्योंकि क्यू क्यू दोनों पॉजिटिव हैं, तो ये यहाँ फेंकेगा इसको, और इसका मैं नाम लिखूँगा एफ ए बी, क्योंकि ए पे फोर्स लग रही है बी की वजह से रिपल्सिव। फिर सी से पूछूँगा सी ने ए के साथ कैसी फोर्स लगाई, अट्रैक्टिव, तो एफ सी ए इस तरफ लगेगा अट्रैक्टिव। बी ने ए के सी के साथ कैसे फोर्स लगाई, अट्रैक्टिव, क्योंकि माइनस और प्लस हैं, तो इसलिए भी इसका भी आंसर होगा एफ सी बी। देन इससे पूछूंगा बी पर सी ने कैसी फोर्स लगाई, अट्रैक्टिव, तो इसका आंसर होगा एफ बी सी, इधर बी पे फोर्स लग रही है सी की वजह से अट्रैक्टिव। एंड ये वाली फोर्स का डायरेक्शन होगा क्यू, क्योंकि पॉजिटिव है, क्यू को भी पॉजिटिव है, तो बी को धक्का देगा ये, तो इसका नाम होगा एफ बी ए, ठीक है। अब ये देखिए जो फिगर मैंने बनाई है वही आपको यहाँ पर दिख रही है, ये चीज़ दिख रही होगी, 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 ये और ये, यहाँ तक मैंने दिखा दिया। इन्होंने तो नाम नहीं लिखा, मैंने नाम भी लिख दिया, चाहूँ तो यहाँ पर भी मेंशन कर सकता हूँ मैं नाम इनका। इसका नाम जो होगा वो सी बी सी ए होगा, इसका नाम जो होगा वो सी बी होगा, इसका नाम जो होगा वो बी सी होगा, इसका नाम जो होगा वो बी ए होगा, इसका नाम जो है वो ए सी है, और इसका नाम जो है वो ए बी है। फाइन, हाँ, अब जब फोर्सेस इधर और इधर हैं तो इसका रिजल्टेंट तो इधर जाएगा ही, इसको एफ ए बोल सकते हैं आप। इसकी फोर्सेस इधर इधर हैं तो इसका रिजल्टेंट इधर जाएगा ही नीचे, उसको एफ सी बोल सकते हैं। इसकी फोर्सेस इधर और इधर हैं तो इसका रिजल्टेंट इधर जाएगा, उसको एफ बी बोल सकते हैं, जो कि इन्होंने यहाँ पर मैंशन करा। इन्होंने 1 2 3 से करा, मैं इसको चेंज करके ए सी और बी बुलवा देता हूँ, ताकि आपको पता चले ये नेट फोर्सेज हैं ए बी और सी पे, ठीक है। अब ये नेट फोर्सेज निकालना बात का काम है, पहले फोर्सेज निकाल लेते हैं। और क्योंकि डिस्टेंसेज सेम है, अब देखेंगे डिस्टेंसेस क्योंकि क्या है सेम, प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस भी सेम है, क्यू इंटू क्यू, क्यू स्क्वायर, बस पॉजिटिव और नेगेटिव है यही फ़र्क है। लेकिन आपको तो पता ही है ना, हम पॉजिटिव नेगेटिव फॉर्मूले के अंदर पुट नहीं करते हैं, हम क्या करते हैं, सिर्फ प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस करते हैं। पॉजिटिव नेगेटिव काम में आता है ये पता लगाने के लिए कि डायरेक्शन जो है वो किस साइड है, तो वो पता लगाने के काम में आता है पॉजिटिव और नेगेटिव, तो इसीलिए उसको हम पॉजिटिव नेगेटिव पुट करेंगे। तो क्यू क्यू मल्टीप्लाई होकर क्यू स्क्वायर, प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस सेम है, डिस्टेंस सेम है, प्रोपोर्शनलिटी कॉन्स्टेंट के तो सेम होता ही है, तो क्या आप ये कह सकते हैं कि एफ ए सी एफ ए बी एफ बी सी एफ बी ए एफ सी ए एफ सी बी, ये जो छः फोर्सेज हैं, ए पे लगने वाली दो फोर्स बी और सी की वजह से, बी पे लगने वाली दो फोर्स सी और ए की वजह से, सी पे लगने वाली दो फोर्स ए और बी की वजह से, ये सारी फोर्सेज सेम है और जिनका आंसर है 1/4πε0 क्यू स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर, प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस अपॉन स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, और साथ में प्रोपोर्शनली कॉन्स्टेंट 1/4πε0, ये सब सेम है, ये सब लोग मानते हैं। अब रिजल्टेंट की बात आती है भाई, तो रिजल्टेंट जो है वो होता है फॉर्मूला
एफ रिजल्टेंट का फॉर्मूला होता है एफ ए स्क्वायर एफ वन स्क्वायर प्लस एफ टू स्क्वायर प्लस टू एफ वन एफ टू कॉस थीटा। फाइन, ये रिजल्टेंट का फॉर्मूला होता है। ओके दोस्त, तो अब देखते हैं ज़रा एफ ए को। सो एफ ए में आएगा अंडर रूट, इनको ना हम ये जो सारे हैं ना इन सब को हम एफ से मान रहे हैं कि ये सब एफ है। तो एफ ए में रिजल्टेंट ऑफ फोर्स ऑन ए जो आएगा वो आएगा अंडर रूट एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर प्लस टू एफ स्क्वायर कॉस 120, क्योंकि जब ये दोनों सेम ही हैं तो टू एफ वन एफ टू में क्या होगा एफ इंटू एफ एफ स्क्वायर। और कॉस 120 क्यों लिखा, क्योंकि इनके बीच में एंगल 120। अब कैसे पता चला मुझे ये 120 है, क्योंकि ये 60 है भाई, इक्विलेटरल है तो अंदर का एंगल 60 होगा ही और एक्सटीरियर एंगल 120 होगा ही। लॉजिक समझ आया एफ ए के लिए आपको? क्या एफ ए और एफ सी सेम होंगे? एफ ए और एफ बी, सॉरी, एफ ए और एफ बी सेम होंगे? बिल्कुल सेम होंगे, क्योंकि एफ ए और एफ बी में दोनों में ही 120 लग रहा है, इसमें भी 120 लग रहा है, इसमें भी 120 लग रहा है। मैग्नीट्यूड वाइज अगर निकालना है व्हाट इज़ द फोर्स ऑन ईच चार्ज, खाली मैग्नीट्यूड पता लगाना है तो दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा। अंडर रूट एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस एफ स्क्वायर। अब माइनस एफ स्क्वायर क्यों भाई? क्योंकि कॉस 120 जो होता है वो होता है माइनस हाफ। कॉस 120 अगर किसी को नहीं आता है तो कॉस 120 निकालने के लिए उसको कॉस करना पड़ेगा 90 प्लस 30। कॉस 90 प्लस 30 होता है साइन 30, क्योंकि कॉस 90 प्लस थीटा होता है साइन थीटा। लेकिन एक बात बताओ, ये 120 कौन से क्वाड्रेंट में आता है? 120 आता है सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस की वैल्यू क्या होती है? नेगेटिव होती है। तो इसके फाइनल आंसर के आगे क्या लगेगा? नेगेटिव, नेगेटिव हाफ। अब यहाँ सोचिए, ये नेगेटिव हाफ जब पुट करेंगे तो वो टू तो टू को काट देगा और नेगेटिव अपना असर दिखाएगा। यहाँ पर एफ स्क्वायर एफ स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, तो अंडर रूट के एफ स्क्वायर में से बाहर आया खाली एफ। तो एफ ए और एफ बी मैग्नीट्यूड वाइज इक्वल है, और किसके इक्वल है? वो एफ के इक्वल है। एफ मतलब ये, एफ मतलब ये। बट अगर बात करेंगे किसकी? एफ सी की। तो उसके लिए क्या होगा? उसके लिए होगा एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर प्लस टू एफ स्क्वायर कॉस 60, क्योंकि यहाँ पर एंगल जो है वो 60 डिग्री है। कॉस 60 क्या होता है? कॉस 60 होता है हाफ, टू से टू कटेगा तो खाली एफ स्क्वायर बचेगा, तो अंडर रूट में आ जाएगा थ्री एफ स्क्वायर, एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर। ये टू कहाँ गया? इस कॉस 60 के हाफ से कट गया, थ्री एफ स्क्वायर। तो एफ रूट थ्री, एफ रूट थ्री बोलूँ या दिस इंटू रूट थ्री बोलूँ, बात क्या है? सेम, यही तो है ना एफ। तो एफ रूट थ्री बोलूँ या दिस इंटू रूट थ्री बोलूँ, बात क्या है? सेम। ये क्वेश्चन ऐसे होना था। आई होप आपको ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। लास्ट क्वेश्चन कर रहा हूँ मैं अब, अगला सुपर पोजिशन के ऊपर लास्ट क्वेश्चन, जिससे बहुत हद तक चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। सो इस क्वेश्चन को देखते हैं, ये क्या कह रहा है हमसे। ये पीएफपी का पार्ट है। फोर चार्जेस प्लस क्यू माइनस क्यू एंड माइनस क्यू आर प्लेस रिस्पेक्टिवली एट दी फोर कॉर्नर्स ऑफ स्क्वायर ऑफ साइड ए। कैलकुलेट द फोर्स ऑन चार्ज कैपिटल क्यू प्लेस एट दी सेंटर ऑफ द स्क्वायर। ठीक है, तो सबसे पहले इसके लिए एक फिगर बना लेते हैं, बहुत अच्छी सी देखते हैं, थोड़ी ब्रॉड फिगर बनाएंगे, इस तरह से फिगर बनाते हैं सो दैट ज़्यादा जगह मिले हमें। ये हमारे पास एक स्क्वायर है, इस स्क्वायर का जो साइड है वो ए है हर तरफ से, क्योंकि स्क्वायर की साइड्स जो होती हैं वो इक्वल होती हैं। ये ए बी सी डी है, इसमें क्यू क्यू माइनस क्यू माइनस क्यू रखा हुआ है, और ये इसका सेंटर है ओ जिस पे रखा हुआ है कैपिटल क्यू। फाइन, अब ज़रा इस सेंटर पे हमें जो फोर्स निकालनी है, इससे पहले हम की फोर्स निकालें, हम ये पता लगाना चाहते हैं कि ये टोटल चीज़ क्या है, ये जो डिस्टेंस है टोटल ये क्या है। ये एक डायगोनल है स्क्वायर का, जो कि निकलता है पाइथागोरस थ्योरम से। तो अगर ये साइड ए है, ये साइड ए है, तो ये पूरी जो चीज़ है वो है ए रूट टू। ये पूरा जो डिस्टेंस है वो क्या है? ए रूट टू। अगर ये पूरा डिस्टेंस ए रूट टू है तो ये हिस्सा कौन है? ए रूट टू बाई टू, क्योंकि आधा होता है। ये हिस्सा भी ए रूट टू बाई टू है, ये हिस्सा भी डायगनल्स इक्वल लेंथ के होते हैं, तो ए रूट टू है पूरा हिस्सा। तो इतना हिस्सा क्या है? ए रूट टू बाई टू। इतना हिस्सा क्या है?
ए रूट टू बाई टू, फाइन। अब यहाँ ज़रा देखते हैं हम लोग, ए एक चार्ज क्यू है प्लस क्यू, सेंटर में भी जो चार्ज है प्लस क्यू है वो, ये इसको अपोज करेगा तो ये इसको इधर फोर्स फेंकेगा, फाइन। इसका नाम होगा एफ नॉट ए, क्या नाम होगा इसका, एफ नॉट ए। बी एक पॉजिटिव चार्ज है, ओ पे भी एक पॉजिटिव चार्ज पड़ा है तो वो उसको भी रिपेल करेगा, इसका नाम क्या होगा, एफ नॉट बी, एफ नॉट बी। अब ज़रा सी से पूछिए, सी नेगेटिव है, ओ पे पड़ा हुआ पॉजिटिव है तो उसको अट्रैक्ट करेगा, तो ये इसको इधर बुलाएगा अपनी तरफ और नाम रखेगा इसका एफ नॉट सी। और डी नेगेटिव है, ओ पे पड़ा हुआ पॉजिटिव है तो ये भी इसको अट्रैक्ट करेगा और अपनी तरफ बुलाएगा, तो क्या नाम रखेगा इसका, एफ नॉट डी, एफ नॉट डी। अब इसके सेंटर को थोड़ा जूम इन कर लेता हूँ मैं आपके लिए और इसके लिए एक फ्रेश डायग्राम बना लेता हूँ। ये था सेंटर, ये था फोर्स जिसका नाम था एफ नॉट बी, और यहीं पर फोर्स था एफ नॉट डी, देख सकते हैं ये आप यहाँ से दोनों इसी डायरेक्शन में है। फिर ये था एक फोर्स जो था एफ नॉट ए, और यहीं पर एक फोर्स आया था जो था एफ नॉट सी, ये आप इस तरीके से देख सकते हैं। तो ये मैंने जूम इन कर लिया थोड़ा सा, अब इनके बारे में बात करना शुरू करता हूँ। ये सारे एक्चुअली मैग्नीट्यूड वाइज तो देखिए इक्वल ही हैं, एफ नॉट ए हो गया, एफ नॉट बी हो गया, एफ नॉट सी हो गया। बीइंग टीचर ये मेरे को डायरेक्टली कैसे पता चला, क्योंकि मुझे पता है सब प्रोपोर्शनलिटी कॉन्स्टेंट यूज़ करेंगे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, सब प्रोडक्ट ऑफ चार्ज करेंगे क्यू इंटू कैपिटल क्यू। अब आप बोलेंगे ये सर क्यू इंटू कैपिटल क्यू करेगा, लेकिन ये तो माइनस क्यू इंटू कैपिटल क्यू होगा, लेकिन फिर मैं बार बार बोलूँगा आपको कि इसके माइनस होने से, इसके माइनस होने से सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन पता लगाई जा सकती है, जो हमने पता लगा ली अट्रैक्टिव है, इसको प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस में मेंशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अपॉन में डिस्टेंस का स्क्वायर, सबका डिस्टेंस कॉमन है, ए रूट टू बाई टू का स्क्वायर, ये यहाँ पर आप देख सकते हैं ए रूट टू बाई टू का स्क्वायर, फाइन। यहाँ पर डिस्टेंस है सर्कल्स में। अब ये जब सारे मैग्नीट्यूड्स इक्वल हैं, जो कि किसके इक्वल हैं एग्जैक्टली अगर बात करें तो 4/2 विच इज 1/4 2 क्यू कैपिटल क्यू अपॉन ए स्क्वायर, क्योंकि भाई ये 2 का स्क्वायर जो होगा वो 4 होगा, वो ऊपर जाएगा, ये रूट 2 का स्क्वायर जो होगा वो 2 नीचे रहेगा, तो 4 को 2 काट देगा 2 पे ना, तो ऊपर 2 ही बचेगा, अपॉन में ए स्क्वायर बचेगा, क्यू क्यू नॉट बचेगा। मैंने इस 2 को इस 4 से नहीं काटा, क्योंकि वक्त आने पर अगर कल को मुझे वैल्यू पुट करनी पड़े तो मैं इस 2 को अगर इस 4 से काट दूंगा और 2 लिख दूंगा तो 1/2 की वैल्यू मुझे नहीं पता, मुझे 1/4 की वैल्यू पता है, इसलिए मैं इसको कभी भी छेड़ना पसंद नहीं करता हूँ, ये ऐसे का ऐसे ही रहने देता हूँ मैं मैक्सिमम टाइम, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, ये तो हो गए भाई इन चारों के इंडिविजुअल मैग्नीट्यूड की बात। जब बारी आएगी ओ के ऊपर नेट फोर्स निकालने की, ओ के ऊपर क्या निकालने की, नेट फोर्स निकालने की, तो आप फॉर्मूला यूज करोगे एफ वन स्क्वायर एफ टू स्क्वायर इज प्लस 2f1f2 कॉस थीटा, इस फॉर्मूले को यूज करोगे। लेकिन अगर मैं उसको F1 को बोलूं कि F2 के इक्वल है, F1 को बोलूं F2 के इक्वल है, ठीक है, और F1 और F2 को बोलूं कि F2 के जो इक्वल है वो 2F के इक्वल है, तो ये गलत नहीं होगा। देखिए मैं F1 किसको मेंशन कर रहा हूँ, मैं यहाँ इन दोनों के एडिशन को, इन दोनों के एडिशन को इस डायरेक्शन में F1 लिखना चाहता हूँ अकेला, और इन दोनों के एडिशन को इसी डायरेक्शन में F2 लिखना चाहता हूँ अकेला। और अब मुझे बताइए ये दोनों का एडिशन है कौन, मतलब एडिशन के वक्त ये जो है F है, ये भी F है, तो ऐड होके F2 क्या हो जाएगा, 2F हो जाएगा, एंड इधर भी ये एडिशन के वक्त ये F है, ये F है, तो ऐड होके F1 क्या हो जाएगा, 2F हो जाएगा, इसीलिए मैंने इस F1 F2 को 2F लिखा है। और F कौन है इस 2F में, F कौन है, F का दर्जा ले रहा है ये अकेला, ठीक है। तो चलिए इसकी वैल्यू लिखते हैं, तो 2F हो जाएगा F1 और F2, तो 2F है कौन, या 2F अभी ऐसे ही रहने देते हैं, इसको बाद में देखेंगे, पुट करते हैं चीज़ों को अंडर रूट, F1 की जगह लिखेंगे 2F का स्क्वायर, F2 की जगह लिखेंगे 2F का स्क्वायर, एंड 2 इंटू F1 F2 की 2F इंटू 2F को क्या लिखेंगे, 4F स्क्वायर cos θ,
थीटा लिखेंगे या कॉस 90 लिखेंगे ये डिसाइड करिए। देखिए एंगल तो पता लगाना ही है ना, इन दोनों के बीच में एंगल 90 है ये मैं कह रहा हूँ। क्या ये आप भी कह रहे हैं? क्यों? क्योंकि ये डायगनल्स थे ना ये, और डायगनल्स आपस में परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करते हैं स्क्वायर के, क्योंकि ये स्क्वायर था, स्क्वायर के डायगनल्स परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करते हैं, तो डायगनल्स के बीच में एंगल्स होते हैं 90 डिग्री। तो ये कॉस 90 लिखना लाजमी है मेरा। अच्छा कॉस 90 होता क्या भाई? कॉस 90 होता है जीरो। कॉस 90 अगर जीरो होता है तो ये सभी जीरो हो जाएगा ना भाई, मल्टीप्लाई में, मल्टीप्लाई विद जीरो सब चीज़ क्या हो जाएगी, ये सर्कल के अंदर सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी, जीरो। तो एडिशन में ये वाला पार्ट जो होगा वो जीरो होगा, तो बचेगा कौन? ट्वाइस ऑफ 2f स्क्वायर। 2f स्क्वायर और 2f स्क्वायर को ऐड करोगे तो क्या लिखोगे? ट्वाइस ऑफ 2f स्क्वायर। ये आपका आ गया भाई नेट फोर्स। लेकिन अभी भी इसमें चीज़ें काम करना बाकी है, तो ये 2f को बाहर निकालो और रूट 2 को अंदर रहने दो। 2f लिखोगे या 1/4πε0 f के लिए 2qq पहले ही अवेलेबल था, लेकिन ये वाला 2 इस वाले 2 से मल्टीप्लाई होकर लिखा जाएगा 4qQ(a)2। तो ये हिस्सा जितना अभी तक मैंने लिखा है ये 2f के लिए लिखा है सिर्फ। किसके लिए लिखा है? 2f के लिए। f ऊपर से लिया और 2 मल्टीप्लाई कर दिया, तो वो जो f के अंदर 2 अवेलेबल था वो 4 हो गया, ठीक है। और अंडर रूट में क्या लिख दिया? 2। ये आपका नेट आंसर है। अब आप फिर मैं बोलूँगा कि ये 4 और 4 हो सकता है, कई लोग काट दें, लेकिन मैं काटना पसंद नहीं करूँगा, क्योंकि वक्त आने पर ये 4 जो है वो काम में आएगा, 1/4πε0 की वैल्यू में काम में आएगा ये। तो बाकी वैल्यूज आप पुट करके निकाल ही सकते हैं। ये हमारा आखिरी क्वेश्चन था। ये बहुत ही मैसी हो चुका है डायग्राम, इसको थोड़ा ध्यान से जब मैं बना रहा हूँ तो चीज़ें पॉज करके, वीडियो यहाँ पॉज करके एक एक करके चीज़ें बना लीजिएगा अपने हिसाब से, और थोड़ा बड़ा बना लीजिएगा फिगर, ताकि और चीज़ें अच्छे से क्लियर हो पाए। फाइन, चलिए आगे बढ़ते हैं टॉपिक की तरफ। अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहे हैं। ओके दोस्तों, यहाँ देखिए आप इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। सो इलेक्ट्रिक फील्ड से पहले मैं इस शब्द पे थोड़ा ध्यान देना चाहूँगा, फील्ड पे। ये शब्द कहाँ कहाँ हमने लाइफ में सुना है? देखिए बहुत जगह सुना है, फुटबॉल फील्ड वाइट, और क्रिकेट फील्ड, या बास्केटबॉल का तो कोर्ट होता है बट इट्स अ काइंड ऑफ फील्ड जिसके अंदर बास्केटबॉल खेली जाती है। तो ये कुछ चंद जगहें हैं और जिन पे फील्ड शब्द यूज़ होता है, या फिर आप देखेंगे कुछ ऑफिसेज में शब्द यूज़ किया जाता है, फील्ड वर्क पे गया है इंसान, राइट। या मतलब अगर लड़ाइयों की बात होती है तो कहते हैं ये वॉर फील्ड है, इस जगह लड़ाई लड़ी जाएगी। ये फील्ड जो होता है, इनडायरेक्टली आप सब चीज़ों में कॉमन ढूंढ पाएंगे कि ये आपको ये बताना चाहता है कि एक रीजन, एक तरह से एक जगह, एक रीजन है जहाँ पर कुछ काम होने वाला है। क्रिकेट फील्ड में क्रिकेट खेलने वाले हैं, फुटबॉल फील्ड में फुटबॉल खेलने वाले हैं। फील्ड वर्क पे कोई इंसान गया है तो उसके ऑफिस का ज़रूर कोई निर्धारित एरिया होगा जिसमें उसको अपना कोई काम करना होगा। तो ये एक एरिया, एक जगह होती है जिसमें सारा काम होता है। तो इसी फील्ड के आगे अगर वर्ड लग जाता है इलेक्ट्रिक, तो भाई इलेक्ट्रिक का मतलब होता है चार्ज। इलेक्ट्रिक का क्या मतलब होता है? चार्ज मतलब चार्ज की फील्ड, चार्ज के इर्द गिर्द होने वाली फील्ड। तो अगर ये एक चार्ज है, ये एक चार्ज है, तो इसने अपने दायरे के आसपास एक स्पेस बना ली है भाई। अब ये जो स्पेस होती है ना, इमेजिनरी होती है, कोई लिखा तो होता नहीं है। और ये जो स्पेस है, जबकि मैं कह रहा हूँ स्पेस है, लेकिन फिगर में जब देखोगे तो 2D फिगर है, आपको प्लेन दिख रहा होगा, एक सर्कल दिख रहा होगा, लेकिन मैं इसको मान रहा हूँ ये एक स्फीयर है। क्या है ये? एक स्फीयर है, स्फीयर। और ये चार्ज के इर्द गिर्द ये जो स्फीयर है, ये कहता है कि इस बाउंड्री के अंदर अगर कोई एक्सटर्नल चार्ज आएगा, टेस्ट चार्ज, एक्सटर्नल चार्ज आएगा इस बाउंड्री के अंदर, तो उस पर मैं अपनी फोर्स लगाऊंगा, इस बाउंड्री के बाहर नहीं लगाऊंगा। अब ये शब्द ये ऐसा क्यों कहता है? तो ऐसा नहीं है इस बाउंड्री के बाहर नहीं लगाता है, ये ऐसा भी नहीं है कि इस बाउंड्री के जस्ट अंदर ही आके लगाएगा। तो इन चीज़ों का, इन शब्दों का जो जो है, ये सब शब्दों का हेर फेर, इसको देखते हैं एक चीज़ से। ये तो हमें पता ही है, महारत हासिल कर चुके हैं अब हम इसमें, 2 साल में, 2 साल के अंदर हम बहुत बारी इससे मिले हैं। इसको कहते भी क्या है आपको पता है? इन्वर्स स्क्वायर लॉ कहते हैं। तो भाई इन्वर्स स्क्वायर लॉ क्या कहता है? इन्वर्स स्क्वायर लॉ कहता है कि जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता जाएगा, फोर्स कम होती जाएगी, फोर्स कम होती जाएगी। तो देखो ऐसा नहीं है कि ये कोई एकदम मतलब जंप करने वाली चीज़ हो गई कि यार मैं फोर्स लगा रहा हूँ किसी चार्ज पे, लगा रहा हूँ, यहीं तक लगा रहा हूँ, अब मैं नहीं लगा रहा,
यहाँ से लगाना मैंने शुरू करी, अगर यहाँ होगा तो भी लगाऊंगा, 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 लेकिन अब मैं नहीं लगा रहा। ऐसा नहीं है, अचानक से गायब नहीं होती है ये चीज। जब आप इस चार्ज से किसी दूसरे चार्ज को दूर ले जाते जाओगे तो धीरे धीरे फोर्स कम होती जाएगी। फोर्स क्या होती रहेगी? कम। इस कम होती हुई फोर्स में एक टाइम ऐसा आएगा कि फोर्स निग्लेक्ट हो जाएगी। निग्लेक्ट का मतलब क्या है? फोर्स तो लग रही है लेकिन उस फोर्स का मैग्नीट्यूड इतना कम है, फोर्स का मैग्नीट्यूड इतना कम है कि कोई इफेक्ट नहीं डाल रहा है, तो फोर्स क्या हो जाएगी भाई? निग्लेक्ट। अब जैसे ही फोर्स निग्लेक्ट हो गई, आप बोलोगे बस यहीं तक था जो फोर्स का असर था, यहीं तक था जो फोर्स का असर था, इसका मतलब यहीं तक है उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड, यहीं तक है उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन यहीं तक है उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड, ये भी बात जो है वो उस पर्टिकुलर चार्ज के लिए बात होती है जहां तक वो निग्लेक्ट हो रहा है। बट चार्ज चेंज कर दोगे तो ये फील्ड का रीजन भी चेंज हो जाएगा। चार्ज बड़ा कर दोगे तो फील्ड का रीजन बड़ा हो जाएगा, चार्ज छोटा कर दोगे तो फील्ड का रीजन छोटा हो जाएगा। तो ये फील्ड भी सिर्फ उस चार्ज पे डिपेंड नहीं करती है, ये फील्ड भी इस पे भी डिपेंड करेगी कि ये फील्ड किस पर्टिकुलर, मतलब कि फील्ड किस दायरे तक एक्सटेंड करेगी अपने आप को, दूसरे चार्ज पे भी डिपेंड करेगी किसके ऊपर फोर्स लगानी है। ठीक है, तो ये बात आप बिल्कुल ध्यान से समझ लें कि ऐसा नहीं होता अचानक से गायब हो जाती है, या ऐसा नहीं है कि इस रीजन के बाहर फोर्स लग नहीं रही है, लग रही है लेकिन नेग्लिजिबल लग रही है। तो इसको हम वहाँ तक फील्ड का एरिया मानते हैं जहाँ तक चीज़ निग्लेक्ट ना हो, जहाँ तक एक स्पेसिफिक क्वांटिफाइड हमें फ़र्क दिखाई दे, इफेक्ट दिखाई दे। फाइन, चलिए अब हम देखते हैं यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का दो प्रोस्पेक्टिव, एक क्वांटिटेटिव और एक क्वालिटेटिव, एक क्वालिटेटिव और एक क्वांटिटेटिव। पहले क्वालिटेटिव मतलब समझते हैं। एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज सेट टू बी set to exist at a point, an electric field is set to exist at a point if the force of the electrical origin, अब ये भैया electrical origin क्या होता है, ये electrical origin बात कर रहा है उस particular charge की, उस particular charge की जिसके electric field की बात हम कर रहे हैं यहाँ पर, मतलब वो charge जिस भी जगह पर पड़ा है उसको electrical origin कहते हैं। If a force of a electric origin is exerted on a stationary charge body placed at that point, तो इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी पॉइंट पर एग्जिस्ट कर रही है ये माना जाएगा तभी जब कोई फोर्स लगेगी उस पर्टिकुलर स्टेशनरी चार्ज पर इलेक्ट्रिक ओरिजिन से। फाइन, इलेक्ट्रिक ओरिजिन से मतलब जिस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बात कर रहे हैं, उस चार्ज से उस पर्टिकुलर स्टेशनरी चार्ज पर जब फोर्स लगेगी तो हम कहेंगे उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करता है। ये तो हुआ इसका क्वालिटेटिव डिस्कशन। अब बात आती है क्वांटिटेटिव की, तो भाई क्वांटिटेटिव क्या होता है? क्वांटिटेटिव डिस्कशन हमें ये बताता है कि हमें उसे कैलकुलेट कैसे करना है, उसको क्वांटिफाई कैसे करना है। ये होता है इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, ये सारे शब्द एक ही हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, जो कि ई वेक्टर से डिनोट होता है। ए एट अ पॉइंट इज डिफाइंड एज फोर्स एक्सपीरियंस बाय यूनिट टेस्ट चार्ज प्लेस्ड एट दैट पॉइंट, फोर्स एक्सपीरियंस बाय अ यूनिट टेस्ट चार्ज। अच्छा, व्हेन आई से यूनिट टेस्ट चार्ज, इसका मतलब क्यू नॉट की वैल्यू आप वन मान रहे हो भाई, क्यू नॉट का मतलब टेस्ट चार्ज है, टेस्ट चार्ज वन मान रहे हो आप। ज़रा देखें एफ, ये कह रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, फोर्स ही है यूनिट टेस्ट चार्ज पे लगने वाली, जब फोर्स ही है तो इक्वल होगी, और यूनिट टेस्ट चार्ज पे लगने वाली का मतलब क्या है, ये कह रहा है के को के पुट करो, क्यू को क्यू पुट करो, जिसका तुम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना चाहते हो, इनटू में जो दूसरा चार्ज है उसको वन पुट कर दो अपॉन में आर स्क्वायर, तो आंसर क्या आ गया भाई, के क्यू बाय आर स्क्वायर, आंसर क्या आ गया के क्यू बाय आर स्क्वायर। तो ये है ई का फॉर्मूला। ठीक है, अगर आप थोड़ा और ध्यान से देखोगे तो अगर आप फोर्स में के क्यू वन क्यू टू लिखते हो और आप चाहते हो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला बन जाए, तो आपको एक ही चार्ज चाहिए जिसकी आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हो, दूसरा चार्ज नहीं चाहिए उस फॉर्मूले में। देखो यहां पर नहीं है, इसका मतलब आप फोर्स को जब डिवाइड करोगे क्यू टू से तो आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड वन का। ठीक है, थोड़ा और स्पेसिफिक देखेंगे तो इस फॉर्मूले को देखिए, एफ इज इक्वल्स टू क्यू ई या ई इज इक्वल्स टू एफ बाय क्यू नॉट, वेयर क्यू नॉट इज व्हाट, दैट टेस्ट चार्ज जिस पे फोर्स लग रही है, या इन्होंने क्यू लिखा है, मैं क्यू नॉट लिख देता हूँ इसको, दैट टेस्ट चार्ज जिस पे फोर्स लग रही है। क्यों? क्योंकि उसी टेस्ट चार्ज कैंसिल करना है, जो क्यू दूसरा चार्ज है वो तो रहना चाहिए ना, क्योंकि उसी के तो इंटेंसिटी के बारे में हम पता लगा पा रहे हैं, जिसकी ताकत हम पता लगाना चाहते हैं उसको तो रहना पड़ेगा ना फॉर्मूले में। नाउ टेस्ट चार्ज को डिवाइड कर दें, ये एक बेसिक आपका जो तरीका है निकालने का, इसको कहते हैं क्वांटिटेटिव। अब इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टर क्वांटिटी की डायरेक्शन होती है, तो आज ही लर्न कर लें, पॉजिटिव से अवे
पॉजिटिव से अवे एंड नेगेटिव के टूवर्ड्स, नेगेटिव के टूवर्ड्स। अब आपको ये चीज क्योंकि पता चल चुकी है, अब आप एक बहुत इंपॉर्टेंट जो है मतलब आउटकम निकाल सकते हैं जो आपने अभी सीखा है। बताइए पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल क्यों करते हैं, नेगेटिव नेगेटिव रिपेल क्यों करते हैं? तो आप आंसर देंगे भाई इसलिए रिपेल करते हैं क्योंकि ये लाइक चार्जेस हैं। अरे भाई लाइक चार्जेस रिपेल करेंगे ये तो हमारा आउटकम हुआ, लेकिन ये लाइक चार्जेस रिपेल क्यों करेंगे ये अब हम सीख पाएंगे। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव अपने अंदर से कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहा है अवे, ये वाला पॉजिटिव भी अपने आप से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहा है अवे, दोनों ही पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाह रहे हैं, लेना कोई चाह नहीं रहा। लेट्स से कोई लेने वाला थर्ड चार्ज आ जाए, लेट्स से कोई लेने वाला थर्ड चार्ज आ जाए, ये कहेगा मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड ले लो, ये कहेगा मेरी वाली इलेक्ट्रिक फील्ड को ले लो, तो दोनों ही देना चाह रहे हैं, दोनों की रिक्वायरमेंट सेम है, दोनों सेम डिमांड कर रहे हैं, तो एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल करेंगे ना। कहेगा तू चला जा, ये इसको कहेगा तू चला जा मेरे को अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड देने दे, ये वाला फिर इसको कहेगा तू चला जा मुझे अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड देने दे। जब दोनों की रिक्वायरमेंट सेम है तो रिपेल करेंगे। अब ये नेगेटिव नेगेटिव को देखो, नेगेटिव कहेगा आई वॉन्ट टू टेक इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि नेगेटिव के टूवर्ड जाती है ना इलेक्ट्रिक फील्ड। ये वाला नेगेटिव कहेगा नहीं मैं लेना चाहता हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये कहेगा नहीं मुझे चाहिए तू जा, ये कहेगा नहीं मुझे चाहिए तू जा, तो दोनों की रिक्वायरमेंट सेम है इसलिए ये रिपेल करते हैं। बट देखिए जब पॉजिटिव नेगेटिव आते हैं, अनलाइक चार्जेस आते हैं, पॉजिटिव कहता है आई वॉन्ट टू गिव इलेक्ट्रिक फील्ड, नेगेटिव कहता है आई वॉन्ट टू टेक इलेक्ट्रिक फील्ड, पॉजिटिव कहता है आई वॉन्ट टू गिव अवे माई इलेक्ट्रिक फील्ड, नेगेटिव कहता है आई वॉन्ट टू टेक दिस इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जो देना चाहता है और जो लेना चाहता है दोनों का तालमेल बैठ रहा है ना, इसलिए ये अनलाइक चार्जेस क्या करते हैं अट्रैक्ट करते हैं। ये लॉजिक आज समझ में आ गया आपको। अब ऐसा यूनिट इसकी क्या होती है, जब फोर्स बाय चार्ज है तो न्यूटन बाय कूलम बन गई ऐसा यूनिट, लेकिन डायमेंशन क्या होगी? न्यूटन बाय कूलम। न्यूटन को आप जानते हैं MLT माइनस टू से, कूलम को आप जानते हैं AT से, करंट इनटू टाइम। ये लास्ट क्लास, ये लास्ट टू लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था। अब ज़रा इसको सॉल्व करेंगे तो MLT माइनस थ्री ए माइनस वन, टी माइनस थ्री ए माइनस वन, यही है हमारा क्या डायमेंशन। फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड का, एक बार ये रीड कर लेते हैं। द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ टेस्ट चार्ज, फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ टेस्ट चार्ज इज डिफरेंट एट डिफरेंट पॉइंट। तो फिजिकल सिग्निफिकेंस ये है कि टेस्ट चार्ज को आप जब अलग अलग पॉइंट पे रखेंगे तो वो अलग अलग फोर्स एक्सपीरियंस करेगा क्योंकि डिस्टेंस सेम होता है। क्यों? सो ई वेरीज ऑल्सो विद पॉइंट टू पॉइंट, क्योंकि ई भी वेरी करता है। और मैंने तो थोड़ी देर पहले आपको बताया था ना, किसी भी चार्ज की अगर आप बोलते हैं कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड है तो भाई ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, लेकिन रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड का असर जो होता है वो धीरे धीरे डिस्टेंस बढ़ने के साथ कम होता जाता है, और एक टाइम आता है कि इतना कम हो जाता है कि इसके बियॉन्ड वो फोर्स लगा ही नहीं पाता। लेकिन क्या यही रीजन है सच में इस क्यू का? नहीं। अगर आप कोई दूसरा चार्ज लेंगे, चार्ज बड़ा कर देंगे तो रीजन बड़ा हो जाएगा, चार्ज छोटा ले आएंगे तो रीजन छोटा हो जाएगा। तो ई भी वेरी करता है पॉइंट टू पॉइंट एंड डिपेंडिंग अपॉन किस पे लग रही है। इन जनरल ई इज़ नॉट अ सिंगल वेक्टर बट सेट ऑफ इन्फाइनाइट वेक्टर्स। ई कोई सिंगल वेक्टर नहीं है, क्या है? सेट ऑफ इन्फाइनाइट वेक्टर्स है जो ये डिसाइड करके निकलता है कि डिस्टेंस क्या है। ईच पॉइंट आर इज सिचुएटेड विद यूनिट वेक्टर ई। अब इस वाली बात को, ये इसको यूनिट वेक्टर को के फॉर्म में लिखने वाली बात को थोड़ा सीखते हैं आगे चल के। हम सीखते हैं, अभी हम टॉपिक लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज देखते हैं। सो वी नीड टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। सो लेट्स से एक चार्ज है क्यू, एंड इस चार्ज से आर डिस्टेंस दूर पड़ा है क्यू नॉट टेस्ट चार्ज। एक चार्ज है क्यू एंड इस चार्ज से आर डिस्टेंस दूर पड़ा है क्यू नॉट टेस्ट चार्ज। दोनों पॉजिटिव होने की वजह से जब क्यू क्यू नॉट पे फोर्स लगाएगा तो वो रिपल्सिव होगी। इस फोर्स का फॉर्मूला अगर आपको लिखना आता है तो आप क्या लिखेंगे? के क्यू क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर आर यूनिट वेक्टर, आर स्क्वायर आर यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर भी तो इधर ही होगा ना। इलेक्ट्रिक फील्ड के अगर फॉर्मूले की बात करें तो क्या लिखेंगे आप? एफ बाय क्यू नॉट, एफ बाय क्यू नॉट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर फॉर्म में क्या होगा? के क्यू अपॉन आर स्क्वायर आर यूनिट वेक्टर, क्योंकि क्यू नॉट ने क्यू नॉट को काट दिया। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है किसका? एक टेस्ट चार्ज क्यू का, इन अ वेक्टर फॉर्म, इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ वेक्टर फॉर्म। बट मैग्नीट्यूड की अगर बात करेंगे तो इतना काफ़ी है, इसको आगे आप बढ़ा सकते हैं ऑफकोर्स, के क्यू आर वेक्टर लिख सकते हैं, अपॉन में आर क्यूब लगा सकते हैं। वो तो यूनिट वेक्टर आपको लिखना आता है, वेक्टर अपॉन मॉडुलस, मॉडुलस तो पहले से ही पढ़ा था, स्क्वायर में एक और मॉडुलस आ जाएगा तो वो मॉडुलस का क्यूब हो जाएगा। ये एक बेसिक टॉपिक है आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ
पॉइंट चार्ज का। फाइन, ये फॉर्मूला लर्न कर लीजिए। इस फॉर्मूले में भी स्पेसिफिकली ये फॉर्मूला आपको काम में आएगा जगह जगह। क्यों ये वाली बात ज़्यादा काम में नहीं आएगी? क्योंकि अगेन हम वेक्टर फॉर्म में बहुत कम चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। हम सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन पता लगाने के लिए इन सब चीज़ों को जानते हैं, और डायरेक्शन पता लगाना बहुत ईजी है। कैसे? पॉजिटिव से अवे, नेगेटिव के टूवर्ड्स, पॉजिटिव से अवे, नेगेटिव के टूवर्ड्स। चलिए, अब जो भी सीखा है हमने इलेक्ट्रिक फील्ड पे, इसको इसी के क्वेश्चन पे, इसके न्यूमेरिकल्स पे अप्लाई करते हैं। ओके, सो ये क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अ पेंडुलम ऑफ मास 80 मिलीग्राम कैरीज अ चार्ज 2 × 10⁻⁸ कूलम। फाइन, ये एक हॉरिजॉन्टल इलेक्ट्रिक फील्ड में, जिसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ दे रखी है 2 × 10⁸, उसमें ये रेस्ट पे है। मतलब ये पेंडुलम जो जनरली ऑसिलेट करता हो सकता है आपको, ये पेंडुलम यहाँ पर हमें रेस्ट पे दिखाई दे रहा है। अब रेस्ट में जब भी कोई चीज़ होती है, इसका मतलब उस पर लगने वाली नेट फोर्स जो है वो ज़ीरो है। अब जो नेट फोर्सेस हैं यहाँ पर दो हिस्सों में हैं, एक एक्स एक्सिस में है, फाइन, और एक वाई एक्सिस में है। तो ज़रा यहाँ पर देखते हैं फिगर को। ये आपको दिख रहा है टेंशन, जो कि टूवर्ड्स दैट पॉइंट है, जो कि यहाँ से फिक्स है, उसकी तरफ लग रहा है ये टेंशन। अब ये अगर थीटा है तो ये भी थीटा होगा, इन ऑर्डर टू कीप दी ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल सेम। फाइन, यहाँ से मैंने आपके लिए जेड बनाया, ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल की निशानी है। देन अब अगर यहाँ पर हम बोलें कि ये टी थीटा के अलॉन्ग, टी कॉस थीटा होगा, और थीटा के इर्द गिर्द इस तरफ परपेंडिकुलर डायरेक्शन में टी साइन थीटा होगा। तो आप एक्स एक्सिस में किसको इक्वेट करेंगे, वाई एक्सिस में किसको इक्वेट करेंगे देखते हैं। एक्स एक्सिस में बात करूं तो टी साइन थीटा चाहता है कि ये ऑसिलेटिंग पेंडुलम वापस टुवर्ड्स दी मीन पोजीशन जाए। टी साइन थीटा क्या चाहता है? कि ये ऑसिलेटिंग पेंडुलम दोबारा किस तरफ जाए? टुवर्ड्स दी मीन पोजीशन। लेकिन हमने तो यहाँ पर देखा है ना कि ये किस में है? रेस्ट में है। ये किस में है पर्टिकुलर? हमारा पेंडुलम रेस्ट में है। तो रेस्ट में रहने के लिए अगर टी साइन थीटा चाहता है कि वो टुवर्ड्स द मेन पोजीशन जाए, तो ऐसी भी तो कोई फोर्स होगी जो ये नहीं चाहती होगी, जो इसके इक्वल होगी और इसके ऑपोजिट। ठीक है, अब वो इसके इक्वल और इसके ऑपोजिट कौन है? यहाँ पर देखिए, ये रेस्ट में अलॉन्ग दी हॉरिजॉन्टल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो फिगर के अकॉर्डिंगली इस पूरे डायरेक्शन में, इस पूरे रीजन में, इस तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप है। और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? एक ऐसा रीजन जहाँ पर जब कोई चार्ज आएगा तो अपने ऊपर फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। तो ये जो है, जिसके पास चार्ज है, ये इस रीजन में पड़ा है, तो ये भी फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। और कैसी फोर्स होगी वो? वो फोर्स होगी क्यू ई के इक्वल। क्यों? क्योंकि थोड़ी देर पहले आपने फॉर्मूला देखा था, ई का होता है एफ बाई क्यू, एफ बाई क्यू ई का फॉर्मूला है। तो एफ इजिकल्स टू वॉट? क्यू ई। किस डायरेक्शन में? जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, उसी डायरेक्शन में इसकी ये फोर्स होगी। बट अगर यही चार्ज नेगेटिव होता तो वो हो जाती माइनस क्यू ई। इसका क्या मायने निकलते? इसके मायने निकलते कि जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स निकल रही है। लेकिन ये तो पॉजिटिव चार्ज है ना, तो यहाँ से मैं इस वाली बात को हटा देता हूँ। ये पॉजिटिव है तो ये डायरेक्शन जो होगी वो एग्जैक्टली वही है जो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है। ठीक है, सो इस टी साइन थीटा को कंपनसेट करने वाला जो फोर्स है उसका नाम क्या है? क्यू ई। टी साइन थीटा को कंपनसेट करने वाला फोर्स जो है उसका नाम क्या है? क्यू ई। अब ज़रा इससे ये बेसिकली ये जो मैंने एक्स्ट्रा बनाया है ई, इसको मैं रब कर रहा हूँ, सो दैट इसका कोई काम नहीं है। बट मेरे को आपको बताना था कि इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में है, और ये पूरे के पूरे रीजन में अलाइंड है। इस खाली एक एरो को जो आप देख रहे हैं, खाली इसको देख के मत सोचिएगा कि ये एक एरो जो है अकेला यही है इलेक्ट्रिक फील्ड। नहीं, पूरे रीजन में अलाइंड है, जो थोड़ी देर पहले मैंने दिखाया था। ये तो एक्स एक्सिस की बात हुई। वाई एक्सिस की अगर बात करें तो वाई एक्सिस वर्टिकल एक्सिस, टी कॉस थीटा है, उसको कौन कंपनसेट कर रहा है? एम जी। टी कॉस थीटा को कौन कंपनसेट कर रहा है? एम जी। क्वेश्चन हमसे क्या पूछता है? फाइंड द टेंशन इन द थ्रेड, फाइंड द टेंशन इन द थ्रेड ऑफ द पेंडुलम एंड एंगल इट मेक्स विद द वर्टिकल। किस एंगल पे जाके ये रेस्ट में रहा है, और जिस एंगल पे जाके रेस्ट में रहा है उस वक्त टेंशन क्या है? एंगल है थीटा, ये फाइंड करना है, और टी फाइंड करना है। तो सबसे पहले इन दोनों इक्वेशंस को, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस इक्वेशन वालों को, हम लोग डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, डिवाइड करेंगे तो क्या होगा? फर्स्ट को डिवाइड करेंगे सेकंड से, तो लेफ्ट साइड में आ जाएगा टेन थीटा, क्योंकि टी और टी क्या हो जाएगा? कैंसिल। साइन बाय कॉस क्या होता है? टेन। और राइट को डिवाइड करेंगे तो लिखेंगे क्यू ई बाई एम जी। तो थीटा विल बी इक्वल्स टू व्हाट? टेन इनवर्स क्यू ई बाई एम जी। क्या वैल्यूज हमें पता है? देखते हैं। टेन इनवर्स क्यू ई की वैल्यू है, टेन इनवर्स
क्यूई की क्या वैल्यू है ब्रैकेट में 2 × 10⁻⁸ × 2 × 10⁴। अच्छा देखिए, इसमें कन्फ्यूज़ मत होइएगा कि सर आपने तो यूनिट जो बताई थी वो बताई थी न्यूटन पर कूलम, लेकिन यहाँ लिखा है वोल्ट मीटर। ठीक है, इसमें कन्फ्यूज़ मत होइएगा, वैसे ये यूनिट भी गलत लिखी है, आंसर है वोल्ट पर मीटर। यहाँ पर वोल्ट पर मीटर होना चाहिए, यहाँ -1 होना चाहिए, और ये वोल्ट कैपिटल होता है। वोल्ट पर मीटर भी एक यूनिट होती है, लेकिन ये वोल्ट पर मीटर वाली यूनिट जो है वो आपके पोटेंशियल को समझने के बाद आएगी, तो वो इस चैप्टर का पार्ट ही नहीं है। तो यूनिट दो होती है, एक न्यूटन पर कूलम होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की, और एक वोल्ट पर मीटर होती है। लेकिन मैं बोल रहा हूँ ये वोल्ट पर मीटर वाली यूनिट को समझने के लिए आपको अगले चैप्टर में जाना पड़ेगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। वहाँ पर ऐसा कोई फॉर्मूला आता है जिससे ये यूनिट आती है। तब तक के लिए बस लर्न कर लीजिए कि वोल्ट पर मीटर भी यूनिट है इलेक्ट्रिक फील्ड की। अपॉन में एम जी है, एम है भाई आपके पास 80 मिलीग्राम, तो 80 तो ठीक है, मिली के लिए 10⁻³ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मिली के लिए 10⁻³ मल्टीप्लाई करा तो खाली ग्राम रह गया, लेकिन हमें ग्राम भी नहीं चाहिए, हमें चाहिए किलोग्राम। तो हम एक और 10⁻³ मल्टीप्लाई करेंगे ताकि क्या आ जाए, किलो। तो पहला 10⁻³ है मिली हटाने के लिए, पहला 10⁻³ है मिली हटाने के लिए, और दूसरा 10⁻³ है किलो लाने के लिए। तब आ गया फाइनली मास आपका किलोग्राम में। एम इंटू जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दैट इज रफली 10, 9.8 होती है, बट मैं यहाँ 10 पुट कर रहा हूँ। तो आप समझ पा रहे होंगे मैंने इसको किलोग्राम में क्यों कन्वर्ट करा है, ताकि यूनिट जो है वो एकदम न्यूटन वाली बातें मेंटेन रहें। अब ज़रा कैंसिल करके देखते हैं, -8, 4, -4, -4, और ये -3 और -3 नीचे से जब ऊपर आएंगे तो क्या हो जाएंगे, +6। तो 6 में से 4 गए, 2 बचे। नीचे ऑलरेडी 2 जीरोज़ भी हैं यहाँ पर, 1 0 2 0, तो वो जो 2 बचेंगे वो भी कैंसिल हो जाएंगे। तो ये 0, ये 0, ये सब कैंसिल हो गए, बचा क्या, 2 × 2 = 4, और अपॉन में कौन बचा, 8। तो आंसर आया 1/2, 4/8, दैट इज 1/2। अब tan इनवर्स 1/2 क्या होता है, हमें तो पता ही नहीं है, हमें तो सिर्फ इतना पता है कि भाई √3 होता तो हम लिख देते 60 है, 1/√3 होता तो हम लिख देते 30 है, 1 होता तो हम लिख देते 45 डिग्री है, इन्फिनिटी होता हम लिख देते 90 है, और 0 होता वैल्यू यहाँ पर तो हम लिख देते 0 डिग्री एंगल है। तो हमें सिर्फ 5 एंगल्स के ऊपर tan इनवर्स की वैल्यू पता होती है, tan इनवर्स हाफ हमें नहीं पता है, tan इनवर्स 0.5 हमें नहीं पता है। तो हम यहीं तक क्वेश्चन छोड़ देंगे कि थीटा जो है वो tan इनवर्स 5 है, tan इनवर्स 0.5 है, सॉरी tan इनवर्स 0.5 है। अब लेकिन थीटा के साथ साथ टी को भी निकालना है, तो टी को देखते हैं कैसे निकालते हैं। हम लोग क्या करेंगे, इस इक्वेशन और इस इक्वेशन के स्क्वायर करके ऐड कर देंगे इनको। तो टी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि लेफ्ट में जो टी स्क्वायर है वो क्या है, कॉमन, और आरएचएस में क्या होगा, क्यूई का स्क्वायर एंड एमजी का स्क्वायर। तो ये तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो गया, 1, और टी स्क्वायर अकेला रह गया, इसी को क्यूई का स्क्वायर मतलब 4 × 10⁻⁴ का स्क्वायर, एंड एम जी का स्क्वायर मतलब 8 × 10⁻⁴ का स्क्वायर। ये मैंने यहाँ से डायरेक्टली अपने मन में सॉल्व कर लिया, आप भी सॉल्व कर सकते हैं। देन हो जाएगा 16 + 64, कितना हो जाएगा, 80 × 10⁻⁸। ये है टेंशन न्यूटन में, इतना टेंशन लग रहा होगा इस पर्टिकुलर वायर में। फाइन, ये बेसिक क्वेश्चन था, सॉल्व हो गया, अच्छे से समझ में आ गया आपको। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सो इस क्वेश्चन में हमसे कह रहा है, एन इलेक्ट्रॉन फॉल्स थ्रू अ डिस्टेंस 1.5 सेंटीमीटर इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड 2 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम इन फिगर ए। इस फिगर ए में इलेक्ट्रॉन जो है वो फॉल कर रहा है। अब इलेक्ट्रॉन एक नेगेटिव चार्ज है, तो देखिए कहाँ जाएगा, पॉजिटिव के पास ही तो जाएगा। एन इलेक्ट्रॉन फॉल, वेयर एज द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इज रिवर्स्ड। अगर हम इस डायरेक्शन को रिवर्स कर दें, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव जा रहा है तो हम पॉजिटिव ऊपर रख दें और नेगेटिव नीचे रख दें, तो डायरेक्शन नीचे आ जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड की। एंड कीपिंग इट्स मैग्नीट्यूड अनचेंज्ड, हमने मैग्नीट्यूड लेकिन सेम रखा है। एंड प्रोटॉन इज फॉल थ्रू द सेम डिस्टेंस, प्रोटॉन सेम डिस्टेंस फॉल करेगा एज शोन इन द फिगर बी। कंप्लीट द टाइम ऑफ द फॉल्स,
कंप्लीट वर्ड हटा दीजिए और इसको लिख दीजिए कंपेयर, कंपेयर दी टाइम ऑफ फॉल्स इन ईच केस, कंपेयर करना है, कंपेयर का मतलब होता है रेशियो निकालना। ये जो है इस क्वेश्चन को हमें देखना होगा और टाइम निकालने के लिए हमें थ्री इक्वेशंस ऑफ मोशन की थोड़ी हेल्प लेनी पड़ेगी, तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हम वो सब चीज़ें याद करते हैं जो हमने लास्ट ईयर सीखा है काइनेमेटिक्स के अंदर। थोड़ा ये लास्ट लाइन पढ़ लीजिए, एग्जैक्टली ये आपसे कुछ कह रहा है। इसके मायने जो निकलते हैं वो ये निकलते हैं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के दौरान ये मत सोचिएगा कि जो इलेक्ट्रॉन गिर रहा है और जो प्रोटॉन गिर रहा है वो फ्री फॉल का केस है, इसको गिराने में जो काम आ रहा है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की फोर्स काम आ रही है। तो अगर मैं आपसे इलेक्ट्रॉन का एक्सेलरेशन पूछता हूँ तो यहाँ पर मैं लेफ्ट साइड करूँगा सारा चीज़ इलेक्ट्रॉन के लिए और राइट साइड में करूँगा सारा चीज़ प्रोटॉन के लिए। इलेक्ट्रॉन का अगर मैं आपसे एक्सेलरेशन पूछता हूँ तो आप क्या बोलेंगे? एक्सेलरेशन होता है फोर्स अपॉन मास। एक्सेलरेशन क्या होता है? फोर्स अपॉन मास। तो आपको लिखना पड़ जाएगा क्यू ई अपॉन एम ई। और प्रोटॉन की अगर बात करूँ, प्रोटॉन का अगर आपसे एक्सेलरेशन पूछूंगा तो क्या बोलेंगे आप? क्यू ई, क्योंकि चार्ज भी सेम होता है प्रोटॉन का और इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए भी आपने कहा था अनचेंज रखना है मैग्नीट्यूड, लेकिन मास तो डिफरेंट होता है ना प्रोटॉन का, तो उसको लिखेंगे एम पी। ठीक है, अब एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ टी स्क्वायर करेंगे तो एस इज इक्वल्स टू हाफ ए टी स्क्वायर ही हाथ में लगेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर यू टी वाला पार्ट जो है वो ज़ीरो है। ज़ीरो क्यों है भाई? क्योंकि इट फॉल्स फ्रीली, इनिशियली इलेक्ट्रॉन फॉल्स लिखा है तो इनिशियल वेलोसिटी जो होगी वो ज़ीरो होगी। फाइन, तो ये मुझे दो इक्वेशंस हैं मेरे पास, जिसमें से अगर टी ई माइनस की बात करूँ मैं तो मुझे लिखना है टू एस ई माइनस अपॉन ए ई माइनस का अंडर रूट, और टी ई प्लस की बात करूँ तो मुझे लिखना है अंडर रूट टू एस ई प्लस अपॉन ए ई प्लस। सो टी ई माइनस अपॉन टी ई प्लस को लिख लेते हैं ज़रा। सो ये हो जाएगा, कंपेयर करना है ना हमें, कंपेयर का मतलब क्या होता है? रेशो लेना। तो ये हो जाएगा टू इंटू 1.5 इंटू 10^-2। ये तो हुआ 2 और एस ई माइनस, मतलब डिस्टेंस कॉल्ड, दैट इज 1.5 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर था, मीटर में कन्वर्ट करने के लिए मैंने 10^-2 ले लिया। अच्छा, अपॉन में था ए ई। ए ई क्या है? यहाँ से देखिए ज़रा, ए ई क्या है? ये है ए ई। अगर ये है तो जब ए ई को पुट करेंगे तो एम ई कहाँ आएगा? ऊपर। एम ई कहाँ आएगा? ऊपर। दैट इज 9.1 इंटू 10^-31। जब ए ई डिनोमिनेटर में यहाँ पुट करेंगे तो ए ई का डिनोमिनेटर चला जाएगा न्यूमिनेटर में। अपॉन में Q क्या है? 1.6 इंटू 10^-19 चार्ज जो होता है हमारा इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पे। और E क्या है? E है हमारे पास 2 इंटू 10^4। ये सब कुछ रूट में जो है ये टी ई माइनस के लिए है। अब जो अपॉन में टी ई प्लस है उसमें भी यही सब वैल्यूज ऐसी ही होंगी, कुछ कुछ वैल्यू चेंजेस होंगी बस, लेकिन सब रेसिप्रोकल हो जाएगा क्योंकि वो अपॉन में है ना, तो मल्टीप्लाई करना है तो चीज़ें क्या करनी पड़ जाएंगी? रेसिप्रोकल। तो यहाँ पर हमारे पास 1.6 इंटू 10^-19 उसका चार्ज ऊपर लिखूंगा मैं क्योंकि रेसिप्रोकल करना है मल्टीप्लाई करने के लिए डिवाइड वाली चीज़ को, इंटू में 2 इंटू 10^4 इलेक्ट्रिक फील्ड और चार्ज की वैल्यू जो होती है वो सेम है प्रोटॉन के लिए भी, अपॉन में 2 सेम है फॉर्मूले का पार्ट था वो, एस ई प्लस डिस्टेंस भी सेम कवर कर रहा था 1.5 इंटू 10^-2, बट मल्टीप्लाई में जो मास है उसका वो अलग हो जाएगा। मास क्या होगा? 1.67 इंटू 10^-27। फाइन, तो ये चीज़ इससे कैंसिल आउट होते हुए दिख रही है, तो मुझे आंसर आ गया कि टी ई प्लस टी ई माइनस बाई टी ई प्लस कुछ नहीं है, बस अंडर रूट है एम ई बाई एम पी का। अगर आप चाहें तो मास से इसको रेशोज लेके इसको रूट को सॉल्व कर सकते हैं। वैसे अगर मैं आपको डायरेक्टली बताना चाहूँ तो ये आंसर अंडर रूट 1/1840 होगी लगभग। ये आंसर 1/1840 होगा लगभग, क्योंकि प्रोटॉन जो होता है वो 1840 टाइम्स हैवियर होता है इलेक्ट्रॉन से। प्रोटॉन जो है वो 1840 टाइम्स हैवियर है इलेक्ट्रॉन से, तो इलेक्ट्रॉन का मास कैंसिल और नीचे 1840 नंबर बचेगा। फाइन, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सो यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन कह रहा है एन इलेक्ट्रिक फील्ड ई इज सेटअप बिटवीन टू पैरेलल प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर।
प्लीज़ कैपेसिटर आते ही डर मत जाइएगा कि ये क्वेश्चन में तो कैपेसिटर की नॉलेज यूज़ होगी। इस फर्स्ट लाइन का कुछ खास यहाँ पर यूज़ नहीं है। क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए इसकी नॉलेज हमारे पास हो या ना हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, सिर्फ पढ़ते जाइए नॉर्मली एंड क्वेश्चन अपने आप सॉल्व हो जाएगा। एन इलेक्ट्रॉन एंटर्स, ये क्वार्टर्स नहीं है, एन इलेक्ट्रॉन एंटर्स है, एन इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन दिस फील्ड सिमेट्रिकली बिटवीन द प्लेट्स, प्लेट्स में विद द स्पीड वी नॉट, ठीक है, वी नॉट लेंथ से ऐसे एंटर कर रहा है। लेंथ ऑफ ईच प्लेट है एल, तो इसको एल डिस्टेंस तक के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में रहना है। इसका मतलब क्या निकलता है, इसको एल डिस्टेंस तक के लिए कहाँ रहना है, इलेक्ट्रिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में। और क्योंकि इलेक्ट्रॉन है तो किस तरफ भागेगा, पॉजिटिव चार्ज की तरफ, किस तरफ भागेगा, पॉजिटिव चार्ज की तरफ ऐसे भागेगा। क्लियर है, पैराबोला एक पाथ जो है वो कवर करेगा ये। नाउ द फाइंड द एंगल ऑफ डिविएशन ऑफ द पाथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन एज इट कम्स आउट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड से जब बाहर आएगा तो ये कितने एंगल से आउट आया ये फाइंड करना है हमें। देखते हैं इस फाइंड करने के लिए क्या क्या चीज़ों की हमें ज़रूरत है। तो सबसे पहले मैं इसको रब कर रहा हूँ, प्लेन एक फिगर आपके सामने रख रहा हूँ, फिर देखते हैं। सबसे पहले जो हमें ज़रूरत है वो ये बात समझने की ज़रूरत है कि ये वी नॉट जो है वो एक्स एक्सिस की वेलोसिटी है, वी नॉट जो है वो एक्स एक्सिस की वेलोसिटी है, और एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में कोई भी फील्ड या कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो इस इलेक्ट्रॉन को पुश कर रही हो एक्स एक्सिस में। तो जब एक्स एक्सिस में कोई फोर्स लगी नहीं रही है, इफ़ देर इज़ नो फोर्स अलॉन्ग द एक्स एक्सिस, देर इज़ नो एक्सेलरेशन अलॉन्ग द एक्स एक्सिस, और जब कोई एक्सेलरेशन ही नहीं है तो एक्स एक्सिस में चार्ज अपनी वेलोसिटी नहीं बदलेगा। तो थीटा निकालने में जो एक्स एक्सिस की वेलोसिटी है वी एक्स वो एग्जैक्टली सेम रहेगी वी नॉट की तरह, ठीक है। लेकिन क्या चार्ज के पास इनिशियली वाई एक्सिस में कोई स्पीड थी? नहीं, चार्ज के पास इनिशियली वाई एक्सिस में कोई स्पीड नहीं थी, लेकिन जैसे ही एंटर करा धीरे धीरे ये ऊपर जा रहा है, इसका मतलब वाई एक्सिस में भी कोई चीज़ है जो इसको पुल कर रही है, क्योंकि वाई एक्सिस में तो इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप है और वाई एक्सिस की इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर इसके ऊपर फोर्स लगा रही होगी, फोर्स विच इज इक्वल्स टू क्यू ई, फोर्स विच इज इक्वल्स टू क्यू ई, ये फोर्स लग रही है वाई एक्सिस पे, और वाई एक्सिस पे अगर ये फोर्स लग रही है तो वाई एक्सिस में एक्सेलरेशन भी होगा, और वाई एक्सिस में अगर एक्सेलरेशन होगा तो इसकी ये इनिशियल वेलोसिटी भी चेंज होगी। तो यहाँ पर फाइनली इसके पास कोई वेलोसिटी आएगी, फाइनल वेलोसिटी वाई एक्सिस में। फाइन, तो देखते हैं इसमें कि हम कैसे वाई एक्सिस की वेलोसिटी निकालें, एक्स एक्सिस की हमें पता है, तब हम जाके ये थीटा निकाल पाएंगे, बिकॉज टैन थीटा इज इक्वल टू व्हाट, परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर बाय बेस। तो हमारा पहला टारगेट है वाई एक्सिस की वेलोसिटी। सो उसके लिए वाई एक्सिस की फाइनल वेलोसिटी निकालने के लिए मुझे ये पता लगाना पड़ेगा कि कितनी देर के लिए। अगर आप चाहते हैं कि वी वाई आप पता लगाएं तो आपको यू वाई पता होनी चाहिए, पहली चीज़ जो आपको पता है ज़ीरो है। फिर आपके पास दूसरी चीज़ क्या आती है, दूसरी चीज़ आती है आपके पास एक्सेलरेशन वाई एक्सिस में, वो आपको पता होनी चाहिए। वाई एक्सिस की एक्सेलरेशन कैसे आएगी भाई, वाई एक्सिस की एक्सेलरेशन आएगी इस फोर्स को उसके मास से डिवाइड करके, इस फोर्स को उसके मास से डिवाइड करके, ये भी आपको पता है। एंड तीसरी चीज़ है दोस्त टी, तीसरी चीज़ है वो समय, जिस समय के लिए ये फोर्स लग रही है, जिस समय के लिए वो एक्सेलरेट हो रहा है, ये समय हमें कौन निकाल के देगा। अब समय जो है वो ऐसा तो है नहीं कि ये पहले ऐसे गया और फिर ऐसे गया तो दो अलग अलग समय हुए, या ये पहले ऊपर गया और फिर ऐसे गया तो अलग अलग समय हुए। नहीं, ये ऐसे गया, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है जितनी देर के लिए इसने एक्स एक्सिस में बिताए उतनी ही देर के लिए इसने वाई एक्सिस में बिताया, जितनी समय के लिए इसने एक्स एक्सिस में बिताया उतना ही समय इसने वाई एक्सिस को कवर में लगाया। तो एक्स एक्सिस का टाइम एक्ट करेगा वाई एक्सिस के टाइम की तरह भी, और एक्स एक्सिस के टाइम के बारे में आपको पता है टाइम कैसे निकालते हैं, टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस क्या है एक्स एक्सिस का एल, डिस्टेंस क्या है एक्स एक्सिस का एल अपॉन स्पीड क्या है एक्स एक्सिस की वी नॉट, स्पीड क्या है एक्स एक्सिस की वी नॉट, वो तो चेंज कर नहीं रही, तो टी इज इक्वल टू एल अपॉन वी नॉट, ये तो सीधा सीधा आ गया। अब वी वाई निकालिए दोस्त, वी वाई के लिए इसको पुट करिए जीरो, यू वाई को क्या पुट करेंगे जीरो, प्लस ए वाई को क्या पुट करेंगे, अभी अभी देखा था हमने क्यू ई, क्यू ई बाय एम, क्यू ई बाय एम इन टू में टाइम, टाइम कौन है एल बाय वी नॉट, टाइम कौन है एल बाय वी नॉट, तो वी वाई का फाइनल एक्सप्रेशन क्या है हमारे पास क्यू ई एल बाय एम वी नॉट, क्यू ई एल बाय
एम वी नॉट, ये हमारे पास फाइनल एक्सप्रेशन आ गया वी वाई का। किसका आया ये फाइनल एक्सप्रेशन? वी वाई का। अब हमें क्या पता लगाना है? अब हमें पता लगाना है वी नेट। क्या पता लगाना है अब हमें? वी नेट। वी नेट कैसे पता लगाएंगे? अंडर रूट वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर। ये मैं एक्स्ट्रा पार्ट कर रहा हूँ जो क्वेश्चन में पूछा नहीं है। अंडर रूट वी एक्स स्क्वायर, वी एक्स स्क्वायर मतलब वी नॉट का स्क्वायर, क्योंकि बाय एक्स एक्सिस की तो वेलोसिटी बदली ही नहीं, बट वी वाई स्क्वायर बाय एक्सिस की तो बदल गई, विच एस क्यू ई एल बाय एम वी नॉट इसका स्क्वायर। तो ये क्या होगा? ये हो जाएगा एम स्क्वायर वी नॉट की पावर फोर प्लस क्यू स्क्वायर ई स्क्वायर एल स्क्वायर अंडर रूट में ये सब अपॉन में एम वी नॉट बाहर रूट के, क्योंकि भाई यहाँ पर एम वी नॉट का जो स्क्वायर है, एम वी नॉट का जो स्क्वायर है वो इसको रूट से बाहर निकालने में मदद करेगा, लेकिन इसी एम वी नॉट स्क्वायर को रूट में बाहर निकलने से पहले एलसीएम लेना पड़ेगा और एलसीएम लेके इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब जाके ये एक्सप्रेशन आएगा आपके पास। ठीक है, अब बात करते हैं आपके टेन थीटा की। टेन थीटा क्या है? टेन थीटा है परपेंडिकुलर, दैट इज वी वाई बाय वी एक्स। वी वाई कौन है? वी वाई है क्यू ई एल बाय एम वी नॉट, और अपॉन में वी एक्स कौन है? वो भी वी नॉट है, तो वी नॉट इंटू वी नॉट, वी नॉट स्क्वायर। टेन थीटा ये है, तो थीटा क्या है? थीटा है टेन इनवर्स क्यू ई एल अपॉन एम वी नॉट स्क्वायर। ये फाइनल आंसर है आपका जो क्वेश्चन ने डिमांड किया था कि मुझे पता लगा के दो किस एंगल से वो बाहर निकलेगा। वो इस एंगल से बाहर निकलेगा। हाँ, अब सोचिए यही क्वेश्चन में आपको सोचिए मेंशन होता कि भाई आपके पास ये है Q, तो मेंशन ही है क्योंकि आप बात कर रहे हैं यहाँ पर किसकी? इलेक्ट्रॉन की। तो आपको पता है 1.6 इंटू 10^-19 होता है इसका चार्ज। ये है E, लेट्स से कोई 2 × 10^4 ऐसी कोई वैल्यू दे दी उसने, लेंथ दे दिया कैपेसिटर का कि इतने सेंटीमीटर है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको पता ही है 9.1 × 10^-31 किलोग्राम होता है, वी नॉट आपको दे दिया कि इतनी वेलोसिटी से ये एंटर कर रहा है, उस सब को पुट करके यहाँ पर टैन इनवर्स निकाल के आप थीटा पता लगा सकते हैं। लेकिन क्योंकि यहाँ कोई वैल्यू नहीं दे रखी थी इसलिए मैंने अल्फाबेटिकली छोड़ दिया सारी चीज़ें। ठीक है, ये आपका था क्वेश्चन अगेन एक और इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड। ठीक है, अब मेरे जो भी टॉपिक्स आज मुझे पढ़ाने थे वो मैंने सारी चीज़ें कवर कर दी हैं। अब मुझे यहाँ पर कुछ डाउट्स लेने हैं बच्चों के, मैं उनके डाउट्स जो भी उन्होंने अपडेट करे हैं ग्रुप में, मैं उनके डाउट्स यहाँ पर हिंट दे रहा हूँ उन्हें कैसे करना है उस डाउट को। सबसे पहले मैं पेज नंबर 14 के ऊपर क्वेश्चन नंबर 7 की बात कर रहा हूँ। टू आइडेंटिकल मेटालिक स्फीयर्स हैं, टू आइडेंटिकल मेटालिक स्फीयर्स हैविंग अनइक्वल ऑपोजिट चार्जेस आर प्लेस्ड एट डिस्टेंस 0.9 मीटर अपार्ट इन ईच अदर। After bringing them in contact with each other.